गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नव भारती परिवार में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है बच्चों में हमारा जो पेपर प्रथम चल रहा है नेट की तैयारी के लिए, शिक्षण अभिवृत्ति में शिक्षण के उद्देश्य। लास्ट वीडियो में हमने शिक्षण की विशेषताओं के बारे में पढ़ा था, शिक्षण की प्रत्येक विशेषताओं का मैंने वर्णन किया था। आज है हमारा टॉपिक शिक्षण के उद्देश्य। जब हम कोई कार्य करते हैं तो ये हमारी प्रकृति है, या हम ये कहें कि ये हमारी जरूरत होती है कि हम बिना उद्देश्य के कोई कार्य नहीं करते। तो उसी के लिए कहा गया है कि अगर शिक्षा का अर्थ हमने समझा, शिक्षा की हमने विशेषताएं समझी, इसके बाद में हम समझते हैं कि शिक्षण के आखिर उद्देश्य क्या होते हैं, हम किन उद्देश्यों को रखते हुए कार्य करते हैं। हम ये मानते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य हम मानेंगे कि हमें शिक्षित करना होता है। शिक्षित करने के साथ साथ हम ये भी मानेंगे कि आज की शिक्षा, जो शिक्षण हम ले रहे हैं बच्चों के लिए, या हमें शिक्षण करवाया जाता है, वो शिक्षण हमारे उद्देश्य की पूर्ति के लिए करवाई जाती है। यानी कि जो हम सोचते हैं वो हमारा कार्य पूरा हो, या हम कहें इससे कि जिस विषय वस्तु का हम ज्ञान लेना चाहते हैं वो ज्ञान प्राप्ति हमारा उद्देश्य होता है। अब उद्देश्य के लिए हम कह सकते हैं कि उद्देश्य आखिर हम किन किन तरीकों से, किस तरीके से प्राप्ति करते हैं। हर प्रत्येक चीज के एक उद्देश्य निश्चित होते हैं। अब इसमें हम देख रहे हैं कि शिक्षण के उद्देश्य, हमने सर्वप्रथम देखा कि उद्देश्य, जो शिक्षण का प्रथम उद्देश्य होता है वो है निर्देशात्मक उद्देश्य, यानी कि जो हमें निर्देश दे कि हमें किस तरीके से कार्य करना है। क्योंकि जब तक उद्देश्य हमें निर्देश, हमें मार्गदर्शन के रूप में, हमें मार्गदर्शन नहीं दिखेंगे, हमें रास्ता नहीं दिखाएंगे, तो हम किस रास्ते को हमें चुनना है ये हम कहीं भी निश्चित नहीं कर पाएंगे। अगर हमें हमारे उद्देश्य की प्राप्ति करनी है तो सर्वप्रथम हमें जो उनके निर्देश होते हैं उन्हें हमें फॉलो करना होता है। तो वही उद्देश्य के बारे में हम अध्ययन करेंगे। अब इसमें ये बताया गया है कि जो शिक्षण के निर्देशात्मक उद्देश्य हैं उनके अंदर किन किन दो विद्वानों ने निर्देशात्मक उद्देश्यों की व्याख्या की, उसके बारे में समझाया। तो इसको दो भागों में इनके उद्देश्यों को विभाजित किया, यानी कि दो जो हमारे शिक्षाविद थे, मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने इनका वर्णन किया है। तो प्रथम तो किया था हमारे ब्लूम के द्वारा करवाया गया था, और सेकंड था गेनी और ब्रिक्स के द्वारा। अब बच्चों, ये जो ब्लूम है आपका, इसे हम जो हम इसके उद्देश्य जानते हैं उसे हम ब्लूम की टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। ये ब्लूम की टैक्सोनॉमी के नाम से भी जानी जाती है, ब्लूम की टैक्सोनॉमी के नाम से भी जानी जाती है। ये हमने हमारे बीएड में भी पढ़ा है। तो ये जो इसके उद्देश्य है उसे हम ब्लूम की टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। ये कब ब्लूम ने जो अपने निर्देश बनाए थे, ये 1956 में बनाए थे, यानी कि जो इनका प्रारूप इन्होंने तैयार किया, संचालित किया, वो 1956 में किया। अब हम देखेंगे जो ब्लूम की टैक्सोनॉमी थी, इसे ब्लूम ने तीन भागों में इसका विभाजन किया। यानी कि हम ये कहते हैं कि जब हमें कोई सूचना और ज्ञान को जब हम तेजी से प्रसार करते हैं तो शिक्षकों के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण होता है कि हमें जो हमारे दीर्घकालिक जो हमारे लक्ष्य है उनको हम ध्यान में केंद्रित करते हुए छात्रों को प्रेरित करने के लिए या उन्हें सज्जित करने के लिए छात्र अपने स्तर के अनुसार ज्ञान को किस तरीके से आगे बढ़ाते हैं, या हमारे ज्ञान को बढ़ाने के लिए कौन कौन हमारे निदेशक के रूप में हमारे सहायक होते हैं, यानी कि हमारा जो शिक्षण का उद्देश्य होता है आगे बढ़ाने का कि किस तरीके से हम उस ज्ञान को और आगे बढ़ा सकते हैं। तो वही निर्देश ब्लूम ने बताए कि किस तरीके से आप अपने शिक्षण के कार्य को और प्रगति कर सकते हैं, उसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो इन्होंने जो उनके निर्देशात्मक जो इनके उद्देश्य थे, इनको ब्लूम ने तीन भागों में विभाजित किया, ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोसंचालित, यानी इसे हम क्रियात्मक भी कह सकते हैं। बच्चों, जो ब्लूम के ये तीनों जो इसके रूप थे, उद्देश्य थे तीनों, इसको हम 3H भी कहते हैं, जो मैंने आपको उधर लिखा है। ब्लूम के जो उद्देश्य है, शैक्षिक उद्देश्य शिक्षण के, उन्हें ब्लूम ने 3H का नाम दिया है। और वो क्यों दिया है 3H का नाम? H मीन्स ज्ञानात्मक, ज्ञानात्मक का हो गया हेड, यानी कि हम ज्ञान कहाँ से प्राप्त करते हैं? मस्तिष्क से। ज्ञान क्या है? हमारी एक
बोधि क्षमता यानी कि हेड से, तो ज्ञान का मतलब इसका हो गया हेड। फिर है हार्ट यानी कि हम कार्य करते हैं दिमाग के बाद में, जब हम किसी से हमारा भाव उत्पन्न होता है उस कार्य से, या हम कहें कि कार्य के मस्तिष्क के साथ साथ मनुष्य जहाँ एक सामाजिक प्राणी है उसके अंदर उसके भाव भी उत्पन्न होते हैं। तो दूसरा कौन सा होता है भावात्मक, यानी ज्ञान के इन्होंने क्षेत्र, ज्ञान के इन्होंने तीन शिक्षण उद्देश्य रूप में बांटा है कि ज्ञानात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र जिसे हम कहेंगे हार्ट, हार्ट, और थर्ड है हमारा मनोसंचालित, या हम उसे कह सकते हैं क्रियात्मक अर्थात हैंड। तो इसीलिए इसे 3H के नाम से भी जाना जाता है, हेड, हार्ट एंड हैंड, यानी कि ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ये तीन भागों में ब्लूम ने इन्हें विभाजित किया है। ये कैसे, अब हम ये देखेंगे कि जो ज्ञानात्मक का क्षेत्र है, ज्ञानात्मक के क्षेत्र को भी इन्होंने 6 भागों में इनका विभाजन किया। जो ब्लूम के निर्देशात्मक उद्देश्य है उनका 3 भागों में विभाजन हुआ है 3H के नाम से। अब 3H में से हम प्रत्येक H का वर्णन करेंगे, उसके बारे में जानेंगे कि किस तरीके से तैयार किया। तो फर्स्ट है हमारा हेड यानी कि ज्ञानात्मक। अब ज्ञानात्मक को 3 भागों में, जो हमारे ज्ञान के 6 स्तरों में इन्होंने विभाजित किया था, इसके 6 स्तर थे। सबसे पहला था ज्ञान, सबसे पहला है ज्ञान। और ज्ञान के लिए कहते हैं कि मूल रूप से ज्ञान हमें क्या करता है, जानकारी या सामग्री को याद रखने की, जो हम इसे याद रखने से संबंधित, यानी ज्ञान प्राप्त करते हैं किसी चीज के बारे में, चाहे कोई वस्तु हो या किसी विषय का ज्ञान हो, उस विषय के ज्ञान से संबंधित हम उसे क्या करते हैं, याद रखने की कोशिश करते हैं, उसे समझते हैं कि हमें इससे संबंधित सारी जानकारी चाहिए कि किस तरीके से हमें इसे आगे बढ़ाना है। यानी कि जब भी हम किसी चीज की शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसके जो मूल रूप होता है उसकी जानकारी, और उसके लिए हम सामग्री याद रखते हैं, कुछ ना कुछ हमें जो चीजें इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं किसी चीज को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि सूचना, पहले पढ़ाया भी है मैंने आपको सूचना और ज्ञान, कि सूचना क्या करती है, जो सूचनाएं हम किसी चीज से संबंधित प्राप्त करते हैं इंफॉर्मेशन, वो ही आगे जाके जो सत्य होती है वो ज्ञान का रूप लेती है। तो इसीलिए सब प्रथम अगर ये हम मस्तिष्क से सोचते हैं, ज्ञानात्मक भाव है, तो सबसे पहले हम उस वस्तु और उस सामग्री के बारे में ज्ञान, उससे संबंधित सभी ज्ञान कलेक्ट करेंगे। फिर आता है बोध। जब हम यहाँ ज्ञान प्राप्त करते हैं तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, बोध यानी कि समझना, समझना, हम उसके बारे में क्या करते हैं, समझते हैं, यानी कि कौन सा ज्ञान हमारे लिए उपयोगी है, कौन सी सामग्री हमारे लिए उपयोगी है, और जिस चीज का हम ज्ञान प्राप्त करते हैं उसके लिए हमें कौन सी विधि उपयुक्त होगी, यानी कि यहाँ हम बोध करते हैं, यानी कि हम उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। ये जो हमारी सामग्री होती है उसके अर्थ को हम समझने की कोशिश करते हैं, या हम कहें जो हमारा विषय होता है, हमारा टॉपिक होता है, हम उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट आया हमारा ज्ञान, यानी कि जिस सामग्री के बारे में हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं उसी सामग्री को समझने के लिए हम बोध करते हैं। अब बच्चों, जब ज्ञान किया हमने, समझा उसको, तो समझने के बाद हम क्या करते हैं, उसको उपयोग में लेते हैं, यानी कि यहाँ हमारे व्यवहारिक रूप में हम वही ज्ञान प्राप्त करेंगे, क्योंकि हम ये चीज जानते हैं कि ज्ञान हम उसी चीज का प्राप्त करेंगे जो हमारे लिए उपयोगी होती है। तो इसमें बताया गया है कि जब हमने ज्ञान प्राप्त किया उसके बारे में हमने समझा, तो समझने के बाद में हम उसके उपयोग करने के बारे में सोचेंगे कि हम इसे हमारे दैनिक जीवन में, हमारे व्यवहार में हम किस तरीके से हम इसे उपयोग में ला सकते हैं। तो ये तीसरा पॉइंट होता है हमारे, कि जो हमारी अमूर्त, एक तरह से अमूर्त भावात्मक ज्ञान होता है, जिसके लिए हम इसे अपने व्यवहार के रूप में लाते हैं, कि हमने जो सीखा है उसे हम किस तरीके से हमारे दैनिक जीवन में, या हम कहें हमारे व्यवहारिक रूप में हम इसे प्रयोग करते हैं। फिर आता है बच्चों हमारा विश्लेषण। फर्स्ट है हमारा ज्ञान, सेकंड हमारा बोध, थर्ड हमारा उपयोग, और फोर्थ आता है हमारा विश्लेषण। हमने ये चीज देखी है कि जब हम सूचनाओं को, जो हमारी प्राप्त सूचनाएं होती है, हमारी सूचनाओं को और घटकों
नहीं है। कोई चीज अगर बड़ी होती है तो हम क्या करते हैं, उस चीज को जानने के लिए हम उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं। इससे क्या होता है, हम उसके प्रत्येक पार्ट को हम उसे आसानी से समझते हैं। अब यहाँ पर हम वही चीज करेंगे, अगर हम वही उस वस्तु के बारे में ज्ञान प्राप्त करना है, उसके आकार के बारे में, तो हम क्या करेंगे, उसको आसान बनाने के लिए हम उसके छोटे छोटे भागों में हम उसे विभाजित कर देंगे, जिससे कि उसके प्रत्येक पक्ष का ज्ञान हम आसानी से अर्जित कर सके। यानी कि ज्ञान आसानी से प्राप्त करने के लिए और प्रत्येक पक्ष को देखने के लिए हमें विश्लेषण करना आवश्यक होता है। फिर आता है हमारा संश्लेषण, यानी कि जब हम चीजों को विश्लेषित कर देते हैं, जो घटक होते हैं हमने जब उनको टुकड़ों में समझा, तो समझने के बाद में हम उनको क्या करते हैं, उनके बारे में कि जो समग्र जो हमारी सोच होती है वो हमारी एक संश्लेषण की प्रकृति, यानी कि हम जो निष्कर्ष निकालेंगे, ऑलिवर ने उसको सबको जो विश्लेषण किया था उसको एक मिलाकर हमारी सोच उस पर विकसित होती है। यानी कि सोच, हमारी जो सोच है, जो हम नजर निकालेंगे वो हम संश्लेषण के आधार पर निकालेंगे, कि हमने प्रत्येक पक्ष को देखा और फिर हमने उसको, जब हमने उसको पूरा समग्र रूप हमने एक उसमें एक एक विभाजित ना करके उसे एकत्रित करके हम उसके बारे में जानेंगे, हम सोच पैदा करेंगे कि हमारी क्या सोच है। आगे है हमारा मूल्यांकन। मूल्यांकन के बारे में हम कहेंगे जो हमारे विशेष प्रयोजन और प्रयुक्त तरीके और सामग्री के बारे में हम क्या करते हैं, यहाँ पर निर्णय लेते हैं कि क्या हमने जो अब तक कार्य किया वो कार्य सही था, क्या हमने जो सामग्री काम में ली वो सही है, या हमने जो इनके लिए विधि काम में ली है वो सही है, यानी कि जो हमने प्रत्येक चीज इस क्रिया के आधार पर प्राप्त की है वो हमने सही प्राप्त की है या नहीं। इस निष्कर्ष में हम इन चीजों को देखते हैं, हम तरीकों को देखते हैं, हम सामग्री को, इन सब चीजों का हम मूल्यांकन करते हैं। तो बच्चों ये इसका ज्ञानात्मक पक्ष था, यानी कि हेड, हेड में आ गया ज्ञान, बोध, उपयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ये इसके छह स्तर थे ज्ञानात्मक के। अब है हमारा भावात्मक, जिसे हम कहते हैं हर्ड। भावात्मक का मतलब जो हमारे भाव होते हैं उसके अंदर, और भाव हम समझते हैं कि कहाँ से होते हैं, हमारे हर्ड से। तो ये है हमारा भावात्मक पक्ष। अब भावात्मक पक्ष में हमारा सबसे पहला जो इसके स्तर है, इसे हमने जो विभाजित किया है, सर्वप्रथम है आग्रह, सेकेंड है प्रतिक्रिया, थर्ड है आंकलन, फोर्थ है संयोजित करना और सिक्स में निरूपण करना। ये हमारे इसके स्तर है शिक्षण के, भावात्मक स्तर के, कि किन किन भागों में इन्हें विभाजित किया। तो सबसे पहले आता है हमारा आग्रह। आग्रह का अर्थ हम जानेंगे, तो आग्रह क्या होता है, जब हमसे कोई आग्रह करता है, यानी कि सुनने की इच्छा, जिसे हम कहेंगे रिसीविंग, यानी कि सुनने की इच्छा, सुनने की इच्छा, यहाँ हम रिसीविंग, इसे हम कहेंगे रिसीविंग। जब हम किसी चीज का आग्रह किया जाता है, हम उस चीज को सुनते हैं। हमने देखा है कि जब भी हमारे सामने कोई आग्रह किया जाता है तो हम उसे सुनने की हमारी इच्छा जागृत होती है। तो इसके लिए कहते हैं कि अगर हम दिल से किसी से आग्रह करते हैं तो हम उसको सुनने की इच्छा जागृत होती है। ये क्यों किया गया इसका, कि सुनने की इच्छा। फिर हम इसमें आता है प्रतिक्रिया। जब हम सुनते हैं, ये हमने देखा कि सुनने के बाद हम उसके ऊपर प्रतिक्रिया करते हैं, कि अब हम हमारे विचार उस पर रखते हैं कि किस तरीके से हमें कार्य करना है। यहाँ हमें प्रतिक्रिया में हमारी सहभागिता की इच्छा जागृत होती है, सहभागिता की, क्योंकि जब आग्रह किया हमने, सुना, अगर हमें सही लगा तो हम क्या करते हैं, उसमें हमारी सहभागिता दिखाते हैं कि हमें ये कार्य करना है। फिर आता है हमारा आंकलन। थर्ड है हमारा इसमें आकलन, कि जो हमने सीखा है उसका क्या महत्व है। हम जब उसका आकलन करते हैं तो आकलन में हम यही तो देखते हैं कि हमने जो सीखा है वो हमारे लिए कितना उपयोगी है या कितना महत्वशाली है। तो इसमें हम उस महत्व पर चर्चा करते हैं कि हमने सीखा है वो हमारे लिए उपयोगी है या नहीं, जो हम सीख रहे हैं उसका क्या महत्व है। फिर आता है संयोजित करना, ऑर्गेनाइज जो हम करते हैं, कि जो हमने किया उसे हमें किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है, आगे से किस तरह से संचालित करना है,
इसके बारे में हम संयोजित करने में सीखते हैं। फिर आता है हमारा इसका निरूपण, जो कि इसका एक प्रतिरूप हो जाता है। किस तरीके से इसका निरूपण हमारे सामने आता है, ये इसके भावात्मक पक्ष के थे। अब आता है हमारा बच्चों मनोसंचालित, या उसे हम कहते हैं क्रियात्मक, मनोसंचालित या क्रियात्मक। इसका नाम था हमारा हैंड, यानी कि पहले हमारा हेड, सेकंड हमारा हार्ट और थर्ड है हमारा हैंड। हैंड के लिए हम ये कहेंगे कि ये हमारा एक मनोप्रेरक या क्रियात्मक ज्ञान क्षेत्र भी हम इसे कह सकते हैं। कैसे कहते हैं कि कुछ जो हमारी तकनीकी और कौशल के अधिग्रहण से संबंधित होता है और मनोसंचालित के अंतर्गत हम अनुदेशात्मक उद्देश्यों के इन पांच स्तरों के बारे में अध्ययन करेंगे कि इसमें ये पांच स्तर होते हैं। पहला होता है प्रतिरूपता, सेकंड है कार्य साधन या हस्तकौशल, थर्ड है इसमें परिशुद्धता, फोर्थ है इसमें स्पष्ट अभिव्यक्ति और फिफ्थ है इसमें प्रकटीकरण। अब फर्स्ट आता है हमारा प्रतिरूपता। इमेजिनेशन जो हम करते हैं, हम देखते हैं कि बच्चे कई बार ये होते हैं कि हम सोचने लगते हैं, इमेजिनेशन करते हैं हम उस चीज के लिए। कई बार ये होता है कि हमारे हम किसी व्यक्ति से, कुछ किसी नेता से हमारे कुछ इतने अच्छे आइडल होते हैं, हम उनसे इतने ज्यादा प्रभावित होते हैं, तो हम क्या करने लग जाते हैं, वो ये सोचते हैं कि हम भी उनके जैसे बने, तो उनको अपने अंदर प्रतिरूपता दिखाई देने लग जाती है कि हम भी अगर ऐसा कार्य करेंगे तो हम भी उस व्यक्ति, उस महान व्यक्ति की तरह दिखाई देंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं प्रतिरूपता में, कि इसमें किसी कुशल व्यक्ति या शिक्षार्थी के कौशल को यथारूप अपनाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि जब हम आइडल बनाते हैं किसी को, तो हम क्या करते हैं उनके जो कार्य होते हैं, जो उनके द्वारा किए हुए होते हैं, उसे हम स्वयं संचालित करने की कोशिश करते हैं कि हम भी अगर ऐसा कार्य करेंगे तो हम भी इनके जैसे बन जाएंगे। तो ये प्रतिरूपता होती है, यानी कि उनके द्वारा किए हुए कार्यों को हम अपने दैनिक कार्यों में अपनाएं। फिर आता है कार्य साधन या हस्त कौशल, ये हमारा क्रियात्मक पक्ष है। इसीलिए हम इसके लिए कहेंगे कि हमारा जो मशीनरी और जो उपकरण आदि सारे का जो हम प्रयोग करते हैं हाथ के द्वारा, हस्त कौशल, जो हम हाथ के द्वारा जो कार्य करते हैं उससे संबंधित, अब कोई भी हमारी क्रिएटिविटी, हम कहते हैं कि जो हम मशीन से कार्य करते हैं वो भी हमारा हस्त कौशल होता है, कि किस तरीके से हम उसका कार्य करते हैं। कोई भी हस्त कौशल में हम अपने उपकरणों का प्रयोग करते हैं वो हमारे कार्य साधन यानी कार्य के लिए। फिर आता है हमारी परिशुद्धता। परिशुद्धता के लिए हम कहते हैं कि करत करत अभ्यास जड़मत बोध सुजान, यानी कि अगर हम लगातार उस कार्य को करते रहेंगे, हमारे अभ्यास में लेते रहेंगे, तो ये हम डेफिनेटली मानते हैं कि उस कार्य में हमारे दिन प्रतिदिन उस कार्य को करने में बढ़ोतरी होती है, या हम कहें कि उस कार्य को जब हम अभ्यास करते हैं तो हमारे कार्य करने की क्षमता भी दुगनी होती है, उसमें कौशलता भी अर्जित होती है। तो हम कहते हैं कि अगर हम मेहनत करते हैं, बार बार में हम मेहनत करते हैं, तो हमें सफलता अवश्य मिलती है। और जो कार्य अगर कई बार ऐसा होता है कि वो कार्य हम प्रथम बार में नहीं कर सकते हैं, सेकंड बार में, तो अगर हम लगातार उसको करेंगे तो उस कार्य को पूरा करेंगे, साथ में अगर हम लगातार अभ्यास करते हैं तो हमारे कार्य में निखार आता है, अर्थात और अच्छा हम उस कार्य को कर सकते हैं, इसीलिए उसमें शुद्धता और ज्यादा आती है। फिर है स्पष्ट अभिव्यक्ति। स्पष्ट अभिव्यक्ति के लिए हम कहेंगे कि ये एक हमारा सतत अभ्यास होता है, क्योंकि स्पष्टता जब ही आती है जब हम उस कार्य को लगातार करते रहते हैं। अगर स्पष्टता हमें लानी है तो हमें उस कार्य को, उस कार्य में निरंतरता रखनी होगी, उस कार्य को हम लगातार करते रहेंगे, जितना हम अभ्यास करेंगे उतनी ही हमारे अंदर स्पष्ट अभिव्यक्ति आएगी। कई बार हमने देखा है कि हम मौखिक रूप से हम नहीं बोल सकते और हम उसको लगातार अगर हम उस चीज को करते रहेंगे तो एक दिन हम स्पष्ट अधिवक्ता बन जाते हैं। और अगर कई बार हम ये देखते हैं कि बच्चे बहुत ज्यादा अशुद्ध लिखते हैं, जब उन्हें कहा जाता है कि आप पांच बार इस अशुद्धि के शब्द को लिखो, तो क्यों कहा जाता है कि बच्चे उसको स्पष्ट लिखें। इस स्पष्ट अभिव्यक्ति को जागृत करने के लिए हमारा क्रियात्मक पक्ष मजबूत होता है। फिर आता है हमारा प्रकटीकरण। प्रकटीकरण के लिए हम कहेंगे कि जो हम कौशल और सीखते हैं वो हमारा नेचर बन जाता है, हम उसे हमें
आत्मसात कर लेते हैं, हम स्वयं के अंदर से ग्रहण कर लेते हैं, वही प्रकटीकरण होता है। अर्थात हमने हमारा एक नेचर बन जाता है वो, उसको प्रकटीकरण में हम खुद को जो हम सीखते हैं, जिस कौशल को हम सीखते हैं उसे हम आत्मसात करते हैं और हम शिक्षार्थी के अनुरूप, जो शिक्षार्थी के अनुरूप हम संशोधन करना, नई तकनीकों, नई जो हमारी तकनीकी होती है उसको नियत गुणों को सीखते हैं। ये चीज हम नई नई चीजें सीख के और हम उसको आत्मसात करते हैं। तो ये हमारे आज के हमारे ब्लूम के उद्देश्य थे। अब इसमें एक चीज ये 2001 में जो हमारे शिक्षाविद थे एंडर्स और कर्टुल, इन्होंने कुछ चेंज किया था ब्लूम के वर्गीकरण में। उसमें था जैसे तथ्यात्मक ज्ञान, वैचारिक ज्ञान, प्रक्रियात्मक ज्ञान और मैक्सिमल्स ज्ञान, ये चार इनमें थोड़ा सा उन्होंने विभाजन किया था। जो ब्लूम के टैक्सोनॉमी थी उसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया था। तो ये आज के हमारे शिक्षण के उद्देश्य थे और ये हमारे शिक्षण के उद्देश्य महत्वपूर्ण है बच्चों। धन्यवाद।